तो देखिए यही वो रास्ता है जिससे कि वो महेंद्र पांडे की जो संध्या है संध्या की जो मम्मी है वो है हाँ, महेंद्र पांडे हाँ, हाँ नौकरी ना चाकरी ना कुछ बता दें महेंद्र पांडे का एक बच्चा विकलांग है और दूसरा छोटा बच्चा है वो भी अभी उसका हार लगाते सरकार से जो पति के छोड़ दिलो लो साजा मत दी इसी कमरे में रहते थे दो चौकी है उसी में इनका दो बच्चे है नमस्कार इस मामलों के बिहार में बिहार के सिवान जिले में है और हमारे साथ है देखिए महेंद्र पांडे की पत्नी और आप इसमें बहुचर्चित घटना है बिहार की आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे मीडिया के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया पे तमाम खबरें इस समय चल रहे हैं बिहार की सबसे हाईलाइट इस समय खबर है महेंद्र पांडे और संध्या की शादी और चूंकि एज का डिफ्रेंस इतना ज़्यादा है प्लस जो है कि महेंद्र पांडे की पहले से एक शादी हो चुकी थी इसलिए और चर्चा का विषय बना हुआ है जैसा कि अपने हिंदू में प्रावधान है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं तो उसी के क्रम में देखिए यहाँ पर पहली शादी महेंद्र पांडे की यहाँ पर इनसे हुई थी और बाद में उसने संध्या जो जिसकी उम्र यहाँ पर बताई जा रही है कि ग्यारह से बारह साल है और इनका कहना है कि उसकी उम्र पंद्रह साल है मतलब ऐसे तो लोग चला रहे हैं कि ग्यारह से बारह साल उसकी उम्र है लेकिन इनका कहना है कि उसकी उम्र जो है पंद्रह साल है और उनका उम्र करीब जो है कि महेंद्र पांडे का उम्र कितना होगा तीस साल, तीज साल। और लेकिन आधार कार्ड पर आप देखेंगे तो उस पर 33 साल जो है काउंट करेंगे आधार कार्ड पर इनके तो 33 साल जो है निकलेगा और लोग खबर चला रहे हैं 40 साल का तो वहीं फिर जो कि एज डिफरेंस होने के कारण काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है प्लस इसके बाद जो है कि जब वो नाबालिग बच्ची थी तो उससे कैसे शादी कर लिए इसके तहत जो है कि यहाँ पर बिहार पुलिस भी एक्टिव हुई बाद में जब सोशल मीडिया पर खबरें चली तो बिहार पुलिस भी एक्टिव हुई और उसके बाद जो है पासको एक्ट के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और फिर उनको जो है कि कारावास में डाल दिया गया है और संध्या भी संध्या को भी लेकर के गए थे थाने उसके बाद उनसे कुछ पूछताछ हुई फिर उनको उनके घर पर वापस भेज दिया गया है और हम लोग इनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कैसे ये सब घटनाएं हुई थी और शादी के लिए आपको बता दें कि करीब तीन महीने पहले इनकी शादी हो चुकी थी यहीं पर अब कहाँ पर हुआ था हम इन्हीं से जानेंगे और इस समय जो है कि बाद में जब सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली तब जाकर के तुल पकड़ा अन्यथा की स्थिति में ये शादी जो है आपका तीन महीना महीने जो है पुराना ये हो चुका था सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ चंदा देवी हाँ तो चंदा देवी महेंद्र पांडे की पहली पत्नी है चंदा देवी तो जो कि शादी ये कैसे हुआ था कैसे ये सब चीजें घटित हुई थी उसके बारे में थोड़ा जो हमारे दर्शक उनको अवगत कराइएगा उनको माई सब ब्याह करौले पड़ी बेटी बना रखले रहनी सन हाँ। दस दिन हाँ। बेटी के मानी सेवा करी आ सीखा लोग रही हमारे हमारा के, के तू बेटी मत बनाब तू हम बिया से बिया हो जात सुख हो बनाई खियाई पियाई रही संध्या की तो, मम्मी मम्मी बोल रही सब, थे। बोला था रही। सब इकोई ले ये उनका मम्मी कह लही हेमूखी हेमू कि ना हेमू है। है की चोरा आ झोरा भर के ले जाए कपड़ा लत्ता मान जानी अथी करो अपना माने आ किनन के के पी के बना जई है हाँ। साजी के फिर साझी है, है रात भर है आ फिर वजह से फिर जमाने महेंद्र उनके घर भी ना उनके घर खाए खाली जातर खाना बना के नहीं देती रही का? देते हैं हाँ, तो? मारवा मंगली तब से बतियावे नम्बर हमरा ना बुझाइल हम दे देतानी हर माई नम्बर मंगली

मंगला से हम कहत अच्छा मतलब लड़की मांगी थी हम्म लड़की लड़किय माई लड़की लड़किय माई <laughs> हां जब लड़की के माई मांग के ले गई बुढ़ी सास ले गली मांग के दे दहली सास दे दहल नंबर अब चार पांच दिन बतियावली गाड़ी चला उतरली गाड़ी के ड्राइवर रह रह हां महेंद्र पांडे हां और हा। कोनो नौकरी न चकरी ना कुछ ना रहल है खाली गाड़ी चला अब बतियाते बतियाते दू तीन तीन दिन अपना हात घर बुला कुला खियाबे लग लगलिहे जमेन्द्र पाण्डे तिन खान उनी खा पिया गाड़ी चला आठ बजे नौ बजे दस बजे एघार बजे आए हाँ। सब जो दो बच्चे हैं आपके आपको बता दें महेंद्र पांडे का एक बच्चा विकलांग है और दूसरा छोटा बच्चा है वो भी अभी उसकी उम्र कितने हो गई एक जना विकलांग हम एक जना अच्छा बात एक जना साल के बड़े एक जना नौ साल के पढ़ने जाते हैं कि नहीं ना जब से जेल गए हन तब से पढ़ाई छूट गए हमारे बाबू पढ़े लिखे तो शादी कराया कौन था उनका मामी करा कहाँ पे था। हुआ था शादी यह यहाँ प्रके। प्रके। यह पर यहाँ पे यहाँ पर कोई पंडित वंडित आए थे के सही? ना के ना कुछ ना हाँ। आ, अपने में अपने में हाँ। राय बात कह के सीखा बुढ़ी कह के हाँ। आ, अपने में यही जा करावल लो उनकर माइये सब करावल बारी हम कुछ नहीं खी जाना आ, हम कुछ आप जब वो तीन महीने जब यहाँ पर रहे थे

चलिए देखिए आपको बता दें कि शादी यहाँ पर होने के बाद जो है जब ये जेल में चले गए हैं तब से जो है कि ये भी अकेली हो गई हैं इनके दो बच्चे हैं वो भी दोनों अकेले हो गए हैं अब वो कैसे यहाँ पर इनका जीवन पोषण होगा जैसे पालन पोषण कैसे होगा तो इन सब तमाम जो प्रश्न चिन्ह अब उठे हैं और बाकी आपको बता दें कि एक तरफ से तो ताली नहीं बचती है जब तक दोनों तरफ से ये काम नहीं होगा तो जो है कि आप किसको जो है कि और दोषी मानती हैं इसमें हाँ दोषी मानता हूँ किसको दोषी मानती हैं तीन, तीन में जने को। हाँ, हाँ। में की पांडे संध्या और संध्या की मम्मी कर ले जितना भी, हाँ। तो भी खबर चल रहा है आपकी तरफ से संध्या के मम्मी को कर दिया गया था? हाँ। ना खंदले। हाँ। खाली माने खा भर के देते हन मान कपड़ा एक सीट का भड़ा दे आज जब साइकिल मंगली साइकिल फिर ये भी, भी खबर चल रहा था कि उसको जो खरीद कर आप लोग लाए हैं मतलब ऐसा था कि वो बेच दिए उसके ना ना, ना बेचने नहीं खा ना वो न नहीं वाली ना उनका लगे पैसा रही ना ना इनका लगे पैसा रही की नहीं है ना, ना पैसा दी है आ, ना गलत तो जब शादी हुआ तो आप नहीं बोले की मतलब हम कहाँ जाएंगे जब शादी उससे हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे हम नहीं थी बोल हम नहीं कहे नहीं बोले बोलना चाहिए न तो हम कुछ नहीं थी जाना सुनो हम कुछ नहीं जब सिंदूर उन्दूर मांग में लगा रहे थे बिछिया पानी थी सब चीजें तो वो तो 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 ना देखे वो सब देखनी वह नहीं सब देखनी तो पूछा नहीं तो कहते हैं जो हमारा कम कर माइट आट दे ली जो हाँ। तो रवन ना बुझा लेते तो चीप चप रहे हैं तो आपका तबीयत हमेशा हाँ। खराब रहता है क्या हर में सब तबीयत कहाँ हो गया हाँ। है आपको गैस की बीमारी है हाँ, हाँ। अच्छा हाँ। अब कैसे कुछ मैंने नहीं नहीं खा लेम तो हो जाए तो दिन जब तुदिन। से जेल गए हैं तब से आप भोजन किए हैं कि नहीं ना आज आज, आज नौ दिन हो गए है नौजन करिए उनको छूट के आना होगा जो न्याय की गुहार है इनके इनकी, इनकी देखिए न्याय की गुहार है इसमें आप लोग जो है सपोर्ट करिएगा और देखिए गलती तो मतलब दोनों लोगों से होता है महेंद्र पांडे हो चाहे संध्या हो दोनों लोग से ही अब वो नाबालिग है तो उसकी तरफ से ही सुना जाएगा बाकी लड़की है तब भी उसी की तरफ से सुना जाएगा गलती बात सब उनकर माई जैसे कोयले पारी सारा माई, ले तो माई, माई की है, ठीक है, लेकिन जैसे जब महेंद्र पांडे भी कुछ किए होंगे तभी तो शादी हुआ था और इतने तीन महीने तक जब वो यहाँ पर रखा हुआ था भा, तीन आदमी में गलती बात तीन आदमी तो कहाँ पे यहाँ पे सोते रहे ए ये ये दिनो में रहो दिन भर रहे घर हाँ। महेन्द्र रहे गाड़ी चलावे चारिये ग्यारह बजे दस बजे दू घंटा तेई सूती है फिर चार बजे उठ के चल तो एक आपके पास कमरा है उसी में सभी लोग सोते थे हाँ कमरा में सब रह आ रहा है तो खुशी से रही है आज जब मंगली हाँ की की के के, तो इतना इतना ताकत तो फिर वो इतना छोटी लड़की से कैसे ये सब चीजें घटित हो गया सब उन सब उनमाई करो अरे जब वो अभी जेल में जब जा रहे थे जब वहाँ पर वहाँ पर भी बयान दिए है की मुझे उसकी चिंता है संध्या का हाँ अपने बच्चे की चिंता नहीं संध्या का ज्यादा चिंता है नहीं नहीं अब का जनो अभी नहीं थी बता सकता चलो ठीक है ये सब बातें तो होती रहेंगी आगे अभी अब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे ये गुहार लगाते हैं सरकार से जो हमारे पति के छोड़ दिलो साजा मत दिलो साजा मत होखे आ साजा होखी तो उनका बेटी के उनका माई के होके महेंद्र पांडे के? आ, मन तिनु आदमी के. आना तो हमार पति छुट के छोर देवलो. हम आई इथी गए इहो रहलो. आप हम उभर अपना घर हम अपना घर बात बात के लिया. चलिए देखिए ऐसे नाबालिग शादियां तो बिहार में बहुत जगह होती रही हैं लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें प्रचलन अब कम हो रहा है चूँकि जागरूक जो जागरूकता है वो बढ़ती है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं लेकिन फिर भी ये जो है कि मामला तुल पकड़ा है अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी न फैलती तो ये भी चीज़ें तो देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे यहीं इनके पास एक कमरा है जिसमें कि सभी लोग जो है कि इसी कमरे में रहते थे दो चौकी है उसी में इनका दो बच्चे हैं

तो कितना आपको पैसा शाम को आकर के देते थे वो ना ले तो नहीं आपने तो हम कहते तो नहीं हमारा पैसा ना चाहिए हाँ। कुछ सामान में ले आते तो हम हाँ। खर्चा भर के तौर लेकिन जब से संध्या से जब मिल संध्या जब से यहाँ आई तब से तो हाँ उन कपड़ा लत्ता किनते हाँ। हाँ, उनका माई उनका माई मैने हुआले रही होरियोले सब... रही लड़की के कपड़ा कीन हमरा के हमारे बेटी के कीन उनका माई मैंने सब मान कान भरत तो रहें भरत रहें वहाँ वो अपने अपने पति से नहीं कहती खरीदने के लिए यहाँ पर आती थी यहाँ से इनसे कहती थी ना वो अपना मर्द से ना माँगे पी के बेहाल तो कैसे मांगे उनका करते हैं उफीया करहंगा ठीक है ये करे तो और का काम करते हैं मंती में काम कर ले बुरा और धोए ले तो दो 203 हाँ। से कमा लेऊंगा अच्छा बिहार में शराब बंद है तब वो मिल जाता है का वो हाँ। मिले ना जब फीख आदमी के तो कहीं हाँ। मिल जाए हां तो फीखा तो आहा चलिए महेंद्र पांडे तो नहीं जरूर पीते थे कुछ ना नासा वसा कुछ ना खात नहीं है

गलत तो बात उसकी, उसकी माता जी कही थी तो कि मतलब आपके यहाँ जाएगी तो आपके बच्चे का ख्याल रखेगी खाना वगैरह बनाएगी ऐसा भी था क्या हाँ हाँ यही हाँ, हाँ, जब, जब वो ज़रो, ज़रो, वो हाँ, हुआ है, तो पहली पहली बार बच्ची बनकर आई थी हाँ पहली बार बच्ची बनकर चाचा लगते थे महेंद्र पांडे तो चाची नहीं के चाचा नहीं मम्मी बोली लीजिए चाचा नहीं के बोले के चाची नहीं के बोले के हाँ तो फिर जब दूसरी बार जब आई तब जो है कि ये सब रिश्ता कायम होने लगा हाँ हाँ तब मैंने रिश्ता बदल कहा कहते ये दीदी कहिया माउन आ हम लगक सिखा दिली जे तू मौसी कहिया बाबू भी आवा हुआ करौली हावे भगवान अरे बा जाना नहीं है तो चलिए देखिए ये महेंद्र पांडे की पत्नी है और इन इनसे हमारा मकसद था आज के विषय का यहाँ पर आपके जो कि थोड़ा सा सत्यता हमारे जो भी मित्र हैं उनको भी चाह रहे थे कि इसकी पूरी सत्यता क्या है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे और सत्यता के लिए इनसे हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया कि कैसे ये सब घटना घटित हुई थी क्या इसकी इसमें किसकी गलती है बाकी आगे जाँच का विषय है जाँच चल रहा है जैसे भी जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी उनको सजा मिलेगा जो भी इसके प्रति दोषी होगा उनको सजा जरूर मिलेगा देखिए जो है कि इनसे हमारा चर्चा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि इसके प्रति कौन दोषी है तो भी उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यही वो रास्ता है जिससे कि वो महेंद्र पांडे की जो संध्या है संध्या की जो मम्मी है वो बता रहे हैं इनकी जो वाइफ है महेंद्र पांडे की कि इसी रास्ते से होकर के लेकर आते थे सामने से नहीं लेकर आते थे क्योंकि सामने से इनके भाई वगैरह थे तो उधर से नहीं लेकर आते थे